हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। और अभी बज रहे हैं शाम के 7, यानी रात के 7 बज रहे हैं। लाइट हमारे यहाँ नहीं है और काफी ज्यादा अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना। और आज इतने दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त ठंडी पड़ रही है कि ना ही वीडियो बनाने का मन हो रहा है, ना ही कुछ ऐसा बनाने का मन हो रहा है। शॉर्टकट बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है और फिर सोया जा रहा है, तो यही हो रहा है आजकल मेरे घर में। तो आज हमने अपना अस्त्र शस्त्र उठा लिया है और कमर कस ली है वीडियो बनाने के लिए। वैसे पुरानी वीडियो ढेर सारी है जो आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, वीडियो तो जाती रहती है लेकिन बनने का काम जो है बिल्कुल से ठप हुआ है। शादी में गए थे, वहां भी कोई वीडियो शूट नहीं की, बहुत सारे मतलब बहुत सब कुछ हुआ। तिल वाला व्रत था, संकटी चतुर्थी थी, उसका भी ब्लॉग नहीं शूट किया। मेरा मन ही नहीं हो रहा था वीडियो शूट करने का, लेकिन आज हमने वीडियो शूट करने की ठान ली है। लाइट नहीं है फिर भी हमने सोचा चलो शुरू कर देते हैं, जो कुछ होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शाम के 7 बज रहे हैं, वही डिनर सिनर बनेगा। और आजकल तो मेरी डाइट साइट चल रही है, क्या डाइट है, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सब जैसे जिस तरीके से सब लोग डाइट करते हैं उससे हटके मेरी डाइट होती है। जो घर में बनता है वही खाते हैं, लेकिन जो खाने का तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो शाम का टाइम है, सब्जी वब्जी की तैयारी कर रखी है, पूरे घर के लोग आज मिलके तैयारी कर रहे हैं। मेरा मन नहीं था खाना बनाने का, जबरदस्ती मुझे से खाना बनवाया जा रहा है। और कुछ मेकअप वेकअप कुछ नहीं है, आप लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। बस हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, जो कुछ करेंगे। और वहां पे भी मूंगफली खाई जा रही है, किचन में दूध गर्म हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा रखी है। और आज सबका मटर पनीर खाने का मन था तो मटर पनीर आई है। वैसे मटर पनीर जो है ना बिना तेल के बनाने वाले थे, लेकिन मेरी वजह से अब ये लोग बिना तेल के खाएं तो ये ठीक बात नहीं है। तो सब्जी में एकदम से तेल ना खाने से भी काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो सब्जी वगैरह दाल वगैरह जो घर में बनती है वही खाते हैं। बस रोटी अपने लिए अलग बनाते हैं और चीनी वगैरह छोड़ रखी है, बाकी जो सब्जी दाल बनती है वो खाते हैं। तो आज मटर पनीर की सब्जी बनेगी, साथ में चावल बनेगा और बनेगी रोटी। जब कह दिया कि आज हम खाना हम बनाएंगे ना, तो समझ लीजिए पक्का घर में खाना बन भी गया, सबने खा भी लिया है। भारत माता मुझे कुछ नहीं है। हाँ, और देखिए कैसे पुटुर पुटुर मूंगफली फोड़ी जा रही है, खाई जा रही है। और उधर बेटी बेटा इधर है, पढ़ाई कर रहा है, लाइट है नहीं, काफी ज्यादा अंधेरा है, बस इन्वर्टर से काम चल रहा है। और घड़ी में हम आपको दिखा दें 7:15 होने वाले हैं। ठीक है, 10 रुपया उनका चाहिए। तो का चाहिए? कुछ ना चाहिए। तो का चाहिए? 10 रुपया। का करबू 10 रुपया के? पैसा जमा कर। पैसा जमा करबू? पापक देख का करबू? पापक पैसा पापक का करवा देबू? सबसे पहले पनीर को फ्राई करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। सोच रहे थे ना लाइट आ जाए मसाला पीस लें तो फिर शुरू करें, लेकिन हमें ना इन्वर्टर से ही मसाला पीसना पड़ा। तो सबसे पहले पनीर को हमने थोड़े से तेल में फ्राई किया है। पनीर को एक ही तरफ फ्राई करते हैं, दोनों तरफ नहीं। उसके बाद इसी कढ़ाई में हमने तेल नहीं डाला है, तेज पत्ता डाल दिया है, जीरा देख सकते हैं थोड़ा सा तेल है। और उसके बाद जो मसाला तैयार किया था इसमें सारे मसाले हैं, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची टमाटर और जो सूखे मसाले होते हैं सबको हमने अच्छे से मिक्स करके रखा था ताकि बार बार डालने की झंझट ना हो, सभी मसाले को एक साथ जो है फ्राई कर लें। तो मसाले को अच्छे से भूनना है जब तक इससे तेल नहीं अलग हो जाता। उसके साथ साथ ही यहाँ पे हमने फ्रेश हरी मटर डाल दी है जो कि आजकल मार्केट में आ रही है, सीजन की मटर होती है, बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। इसको ढक देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है पानी, जब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका था थोड़ा ही पानी डालेंगे, आज लटपट सब्जी बनाएंगे। नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, पक देते हैं, ढक देते हैं। पकने के बाद जो हमने पनीर को फ्राई करके रखा है उसको डाल दिया, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम पनीर आई थी। उसके बाद इसमें डाल दिया हरी धनिया की पत्ती, है ना एकदम से टिम टिम, झटपट बन के तैयार है मटर पनीर की सब्जी। और इतना ज़्यादा यमी बना था कि क्या ही बताएं, बहुत कम तेल डाला था, देख सकते हैं सब्जी में ऊपर से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तेल दिख रहा है, क्योंकि तेल डाला ही कम था तो दिखेगा कहाँ से ऊपर से। और अब जो है ना सबकी थाली में चावल रहता है, रोटी रहती है और मेरी थाली अलग रहती है, क्योंकि मेरी थाली में कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्के की रोटी, कभी बेसन की रोटी। तो ये है मेरी थाली जिसमें एक कटोरी दाल रहता है, सलाद रहता है, पापड़
और मक्के की रोटी बनाई है और साथ में मटर पनीर की सब्जी। बस यही खाना होता है आजकल। गेहूं की रोटी छोड़ रखी है और चावल भी छोड़ रखा है हमने दोनों भी। तो फ्रेंड्स रात के 8:30 बज चुके हैं, सबका खाना पीना हो चुका है और हम भी खा लेते हैं। हमारे खाने में देख ही सकते हैं क्या है। बाजरे की रोटी है, एक पापड़ है, एक कटोरी सब्जी है, एक कटोरी दाल है, सलाद है। तो बस यही लाइट डिनर। चावल हमने बनाया है कुकर में लेकिन खाएंगे नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? दाल से करते हैं। पहले पूरा बाउल भर के जो एक कटोरी दाल है इसको पी लेते हैं। इस टाइम पे ना हमने थोड़ी सी छोटी कटोरी दाल ली है और जब लंच करते हैं तो बड़ी कटोरी दाल पीते हैं। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर आप करना चाहें तो। थोड़ा सा पापड़ भी खा लेते हैं और ये देख सकते हैं भुना हुआ पापड़ है, हमने गैस पे सेका है। हमने दाल खा ली है और अब हमारी ये छोटी सी रोटी है। आप इसे छोटी मत समझिए, बाजरे की रोटी बहुत ही ज्यादा, इसको खाने से पेट भरा रहता है और ये ग्लूटेन फ्री है। सो फ्रेंड मेरा खाना तो बहुत ही देर में होता है क्योंकि खाने को 32 बार चबा के खाते हैं और आजकल ये प्लान हमने फॉलो करना शुरू किया है। काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा है, मेरा वज़न 7 किलो घटा हुआ है, हमने वज़न किया था। सो फ्रेंड अभी बज चुके हैं 9:30, खाना पीना हो चुका है, चौका बर्तन हो चुका है और सब लोग सो भी चुके हैं, ये जाग रहे हैं, बाकी बच्चे तो सो चुके हैं। और आज की इस वीडियो का यहीं पे करेंगे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रथमाज ब्लॉग गोरखपुर। बाय बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट, शुभरात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। ये देखिए सारे काम खत्म हो चुके हैं, कुकर में चावल बचा था, पनीर बचा था तो ऐसे ही चावल को रख दिया, खाली नहीं किया, बाकी सारे बर्तन किचन सब कुछ साफ कर दिया है। बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।